हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक ऑन चाइना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडिया गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन लेते हुए चाइना की 59 ऐप को पूरी तरह से इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर्स भी शामिल है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तनातनी के बीच सरकार ने चीन के खिलाफ डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय ने शिकंजा कसते हुए भारत में प्रचलित चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो, कैम स्कैनर, शेयर इट, लाइकी, स्वीट सेल्फी, क्लब फैक्ट्री, जेंडर, पैरेलल स्पेस, वी चैट, यूसी न्यूज, क्लीन मास्टर, क्लैश ऑफ किंग, डीयू क्लीनर, बिगो लाइव, विगो वीडियो, फोटो वंडर, वी मेट भी शामिल हैं। चीन के ऐप को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जासूसी की आशंका जताई जा रही थी। सरकार ने इसी मापदंड पर फैसला लेते हुए चीन के ये 59 ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। सरकार ने आईटी एक्ट 69A सेक्शन के तहत इन 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सरकार को इन ऐप के गलत इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें भी मिल रही थी कि ये ऐप एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म से डाटा चोरी करने में भी सहायक है, जिनसे देश की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे थे। भारत में टिकटॉक के लगभग 20 करोड़ यूजर्स हैं, तो अब आगे से वो टिकटॉक पर वीडियो नहीं बना सकेंगे। सरकार के इस फैसले को भारत में निर्मित ऐप को आगे आने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है भारत सरकार का। तो आगे मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इन 59 का कैसे आप इंडियन ऐप से रिप्लेस कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।